रायबरेली पुलिस ने जुलाई माह में हुई एक हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। शनिवार को पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। आरोपी ने अपने साथी की गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया था। को महादेव सिंह नाम के एक व्यक्ति की नहर में डूबने से मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु गला दबा के हत्या करने के इरादे से पाई गई थी। तो परिजनों द्वारा 9 व्यक्तियों को जिनसे जमीन का विवाद था, रंजिश थी, उनको नामजद करते हुए हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ पे और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इस घटना में रामभवन और कोलई लोध नाम का एक व्यक्ति जो मृतक के साथ मजदूरी करता था दुकान पे, उसका नाम प्रकाश में आया। आज उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा इस घटना को कारित किया जाना ये विवेचना पाया गया, जो न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं, जहां से इसको फिर जेल भेजा जाएगा।